दे हमारी बेटी को घर तक ले ले जाया जाए একই যোগী রাজ্যে দলিত পরিবারের তরুণীকে গণধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করার অভিযোগে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তার উপরই তরুণীর 15 দিন লড়াই করার পর মৃত্যুর পর নির্যাতিতার দেহ সৎকার ঘিরেও কাঠগড়ায় পুলিশ। তরুণীর মৃতদেহ গ্রামে পৌঁছলেও বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো না। মাঝরাতে জোর করে সৎকারের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। যদিও হাতরসে মহকুমা শাসকের দাবি পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত না থাকায় পুলিশই মৃতদেহ সৎকার করে, কিন্তু নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ মৃতদেহ বাড়িতে আনতে চেয়েছিলেন তারা, কিন্তু পুলিশের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। সূত্র মারফত জানা যায়, ভোর রাত 3টে নাগাদ পুলিশি ঘেরাটোপে নিহত 19 বছরের তরুণীর দেহের সৎকার সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, উচ্চ বনে 4 ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক দলিত সম্প্রদায়ের তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে যোগীরাজ্যে। গণধর্ষণের পর তরুণীর ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। অভিযোগ, ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় প্রচণ্ড মারধর করা হয় তাকে। গোটা শরীর ক্ষতবিক্ষত ছিল। ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টাও করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে মারা যান নির্যাতিতা। শেষ হয় 15 দিনের লড়াই। রাত 1টা নাগাদ গ্রামে পৌঁছায় নির্যাতিতার দেহ, কিন্তু মৃতদেহ অ্যাম্বুলেন্সে রেখে দেওয়া হয় বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ দেহটি বাড়িতে আনতে দিচ্ছে না, ক্রমাগত বাধা দেয়। পরিবার আরও দাবি করে, দেহ অবিলম্বে সোজা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অন্ত্যেষ্টি করার জন্য চাপ দেয় পুলিশ। পরিবার জানিয়ে দেয়, রাতের অন্ধকারে তারা সৎকার করতে রাজি নন, দেহ নিয়ে যেতে চান গ্রামের বাড়িতে। সেই সময় দিল্লি থেকে বাড়ি পৌঁছয়নি নিহতের বাবা ও দাদা। পরিবারের তরফে বলা হয়, সৎকারে এত তারা কিসের? নিহত তরুণীর পরিবারের আরও দাবি, সৎকার করতে অস্বীকার করায় পুলিশ তাদের ওপর অভব্য আচরণ করে, হুমকি দেয়, মারধর করে। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते है। करा देंगे, है ना, और इनको समझाइए। और ये बाहर आप, क्योंकि घर वाले जो है ना, ओम प्रकाश जी, घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो, और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं, और नाम आपका बदनाम होगा। अब चलिए वहाँ पे, चलिए साइड करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ, पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर हमको, जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, मुझे आई डोंट नो। नहीं नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना चाहिए। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है, मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहां नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से? नहीं नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहां खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन ले मेरी बात एक बार। नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवाल हो जवाब देंगे। नहीं है मेरी मेरी ड्यूटी है, नहीं जवाब दूंगा सवालों का। आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है क्या चल रहा है? वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए, ये क्या अंदर है? नहीं नहीं, जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या या वन सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 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 एक मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप।
ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए।